पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। पैन कार्ड में भी लगेगा QR कोड, जाने क्या है इसमें खास और इसके फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें सबसे अहम फैसला पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का है। इस परियोजना पर सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस के तहत डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है पैन 2.0? पैन 2.0 प्रोजेक्ट एक उन्नत प्रणाली है जिसमें पैन कार्ड अब QR कोड से लेस होंगे। इस परियोजना के तहत टैक्स पेयर्स को पूरी तरह पेपरलेस और ऑनलाइन प्रक्रिया से लाभ मिलेगा। नए पैन कार्ड में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और इसके लिए उपयोगकर्ताओं को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। पैन 2.0 के फायदे: पैन और टैन सेवाओं का डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं को तेजी से पूरे करने की सुविधा होगी। यह परियोजना पूरी तरह पेपरलेस होगी। QR कोड तकनीक से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इससे टैक्स पेयर्स को अलग अलग पहचान पत्र रखने की जरूरत नहीं होगी। इस तकनीक के इस्तेमाल से प्रक्रिया तेज और आसान बनेगी, जिससे सरकारी और निजी संस्थाओं दोनों को लाभ मिलेगा। पैन कार्ड का महत्व और विस्तार। पैन कार्ड जो 1972 से जारी हो रहा है, आज देश के लगभग 78 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच चुका है। यह आयकर विभाग द्वारा जारी एक यूनिक 10 अंकों का पहचान पत्र है। इसके जरिए व्यक्ति और संस्थाएं अपने वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखती हैं और सरकार को टैक्स चुकाती हैं। पैन 2.0 टैक्स प्रणाली में नई क्रांति। पैन 2.0 परियोजना केवल एक तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि यह देश के डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत करेगी। QR कोड तकनीक और पेपरलेस प्रोसेस के जरिए यह प्रोजेक्ट टैक्स पेयर्स के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित अनुभव प्रदान करेगा। पैन 2.0 न केवल टैक्स प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि व्यवसाय और व्यक्तिगत वित्तीय गतिविधियों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो हर भारतीय को लाभान्वित करेगा।